morning to all of you. Today we will see cerebrospinal fluid analysis. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई cerebrospinal fluid होता क्या है. तो cerebrospinal fluid, अभी spinal fluid मतलब कैसा fluid जो हमारी spinal cord के बीच में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं cerebrospinal fluid. So cerebrospinal fluid और CSF is formed by the selection और selective dialysis of plasma by choroid plexus of ventricular of the brain and it is traveled into the subarachnoid space of the brain and spinal cord. तो ये जो cerebrospinal fluid है या CSF है ये बनता है ब्रेन में और ब्रेन में बनने के बाद ये ट्रांसफ़र होता है cerebrospinal cord के अंदर. So the CSF has a defined nature and composition which is summarized as. अब जो है वो cerebrospinal fluid जो है वो दिखता कैसा है, उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे. तो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर जो अपीयरेंस होता है उसका वो क्लियर होता है, कलर जो है वो कलरलेस होता है, उसका pH जो होता है उसका वो 7.3 टू 7.4 होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो उसकी होती है 1.003 टू 1.008 होती है, एंड केमिकल कंपोजिशन के अंदर जो प्रोटीन है वो 15 टू 45 mg पर डेसीलीटर होती है, ग्लोबुलिन जो होता है वो 30 to 50% होता है, ग्लूकोज जो है वो 40 टू 80 mg पर डेसीलीटर, कोलेस्ट्रॉल जो है वो 0.2 टू 0.6 mg, क्रिएटिनिन जो होता है वो 0.5 टू 1.2 mg, यूरिया जो है वो 6.6 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर, यूरिक एसिड जो होता है वो 0.5 टू 4.5 mg, और इनऑर्गेनिक्स जो होते हैं लाइक कैल्शियम तो 700 टू 750, पोटेशियम 2 टू 3.5 mg, और सोडियम है वो 144 टू 154. सो ये जो है ये कंपोजिशन है कि इन सब चीज़ों से मिलकर जो है वो CSF बना हुआ होता है. अब इसमें किसी तरह की खराबी या किसी तरह की अबनॉर्मलिटी अगर आती है तो वो किस डिसीज़ की वजह से आती है वो हम यहाँ पे देखेंगे. सो CSF एग्जामाइन मेनली ऑन द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल वायरल और हिमोरेज डिसऑर्डर्स. तो जो CSF है ये क्यों एग्जामाइन करते हैं हम, ताकि अगर किसी तरह का बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है या किसी तरह का ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन होता है ऐसी सिचुएशन के अंदर हम CSF को इवेल्यूएट करते हैं. सो उसकी टेस्ट अगर हम अपीयरेंस की टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, क्लाउडी टू प्यूरुलेंट क्लॉट, क्लाउडी टू फाइब्रिन वेव एंड ज़ैंथोक्रोम, इस तरह से इसकी नॉर्मल वैल्यू है. तो क्लाउडी टू, तो ये जो इसकी सिग्निफिकेंस है ऑब्जर्व इन एक्यूट मेनिंजाइटिस, क्लाउडी फाइब्रिन वेव ये कब होता है, इट इज सीन इन ट्यूबरक्लोसिस एंड मेनिंजाइटिस, मतलब जब ट्यूबरक्लोसिस हमको होता है यानी कि टीबी जब होती है तो सीवियर सिचुएशन के अंदर हमको जो है CSF को वैल्यूएट करना होता है. नेक्स्ट इज इट इंडिकेट सेरिब्रल हिमोरेज, सेरिब्रल हिमोरेज मतलब क्या, ब्लीडिंग होती है वहाँ से. नेक्स्ट ग्लूकोज, सो ग्लूकोज लो वैल्यू 0.0 टू 40 mg पर डेसीलीटर इन द केस ऑफ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन और एक्यूट मेनिंजाइटिस, अगर वो लेवल हाई होती है तो इन द ब्रेन ट्यूमर द वैल्यू राइजेस, अगर ब्रेन में ट्यूमर होता है तो ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड का. प्रोटीन अगर हाई वैल्यू अगर वहाँ पर होती है तो इन ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस एंड सेरिब्रल हिमोरेज, अगर सेरिब्रल मतलब ब्रेन इंजरी होती है या ट्यूबरक्लोसिस होता है हमको तो उसमें जो है प्रोटीन हाई वैल्यू के अंदर होता है वहाँ पर. क्लोराइड जो है वो लो वैल्यू के अंदर होता है, कब, फाउंड इन ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो क्लोराइड्स है वो उसकी जो वैल्यू है वो लो हो जाती है वहाँ पर. उसकी तरह से सपोर्टिव पैरामीटर क्या है, तो सपोर्टिव पैरामीटर के अंदर हार्ट रेट और पल्स रेट, जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट रेट क्या होता है और पल्स रेट क्या होता है. सो क्या होता है, इट मेजर्स द पल्स पर यूनिट ऑफ टाइम एंड कैन बी डिफाइंड एज द वेव ऑफ एक्सपेंशन एंड एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वॉल ऑफ एओर्टा एंड पास्ट ऑल द Out of the body, generally the radial artery at the waist region is used to measure the heart rate. In short, इनको जो बोलना है वो ये है कि जो आप इसमें evaluate करते हो वो इस तरह की जो आप reading देखते हो तो ये चीज़ आप यहाँ पे ECG जो होता है या pulse rate जो होता है उसी की basis पे आप
इवेल्यूएट करते हो। तो फ्यूटर्स के अंदर कितना होता है, नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट कितनी होती है, जो हार्ट जो बीट होता है वो कितना होता है, 70-80 पर मिनट हार्ट हमारा बीट होता है। फ्यूटर्स के अंदर 140-150 पर मिनट बीट होता है, चाइल्ड्स के अंदर 100-120 मीटर पर मिनट, एडल्ट्स में 70-80 और ओल्ड के अंदर 60-75 पर मिनट। अगर इस लेवल में किसी तरह की चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं तो वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो हार्ट रेट जो है वो कम या ज़्यादा होता है। यूजुअली अगर आप एक्सरसाइज करते हो या आपको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर आपका जो फियर है अगर वो इंक्रीज़ होता है, आपको शौक या एक्साइटमेंट की जो लेवल होती है इसमें आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, या आपको मेडिकल कंडीशन सीवियर मेडिकल कंडीशन अगर होती है लाइक टैचिकार्डिया ब्रैडीकार्डिया तो इसके अंदर आपकी हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज रेस्पायरेशन रेट। सो नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पायरेशन इन एडल्ट इज़ 14-18 पर मिनट। इट इज़ हायर इन चिल्ड्रन एंड स्टिल हायर इन इन्फेंट्स। तो जो नॉर्मल वैल्यू है हार्ट रेस्पायरेशन रेट की वो है 14-18 पर मिनट, लेकिन यही जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है चिल्ड्रन में और चिल्ड्रन से ज़्यादा जो है वो इन्फेंट्स के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिक रेट, पायरेक्सिया, एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। ये कब इंक्रीज़ होती है कि जब अगर आपको किसी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका जो सांस लेने जो आपका एस्पायरेशन रेट है या जो आप सांस लेते हो वो रेट जो है वो बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप ज़ोर से कहीं पर एक्सरसाइज करते हो या भागते हो आप कहीं से रन करके आ रहे हो तो आपका जो एक्सरसाइज जो आपका जो एस्पायरेशन रेट है वो बढ़ जाता है, वहाँ पर आपकी सांस फूलने लगती है। तब क्यों, ताकि जो आपकी ब्लड की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी हो सके, इसलिए। तो ये उनका सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द लिटरल प्रेशर ऑफ ब्लड एग्जर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है डिफरेंट फेजेस। मतलब ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, कि ऐसा प्रेशर जो आर्टेरियल के वॉल के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब उसके डिफरेंट फेज होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर किसको बोलेंगे, इट इज़ अ मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ हार्ट कॉल्ड एज SP। यानी कि जब सिस्टोलिक कंडीशन के अंदर हार्ट होता है हमारा तो उस सिचुएशन के टाइम उस कंडीशन के टाइम जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक के अंदर मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोलिक, मतलब डायस्टोलिक के टाइम पे जो मैक्सिमम प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं DP या डायस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा है पल्स प्रेशर, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो पल्स प्रेशर होता है वो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सो इधर उसकी नॉर्मल वैल्यू है और उसके इधर स्टैंडर्ड BP है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इंक्रीज BP लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज हाइपरटेंशन ड्यू टू द स्ट्रेस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज एंड एजिंग प्रोसेस। इट राइजेस अबव 150-95 mmHg। तो ये जो लेवल है अगर बढ़ती है, ब्लड प्रेशर अगर हमारा बढ़ता है तो वहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, फिर हाइपर टेंशन। फिर उसको कम करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन लेते हैं, लाइक प्रोपैनोलॉल, लाइक AC इनिबिटर है ना, इस तरह की जो मेडिसिन होती है, डायबिटिक्स, तो इस तरह की जो मेडिसिन होती है, बीटा ब्लॉकर, अल्फा बीटा ब्लॉकर, तो ये तरह की मेडिसिन हम एंटी हाइपरटेंसिव या फिर हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में लेते हैं। डिक्रीज कंडीशन इज हाइपरटेंशन ड्यू टू द एनीमिया, हीमोरेज और पेरिफेरल वैसोडिलेशन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग और शॉक एक्सेट्रा। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्यों होता है, वो हाइपोटेंशन की वजह से उसको बोलते हैं हम, उसको क्यों होता है ये, अगर इफ पेशेंट को एनीमिया है या उसको हीमोरेज यानी कि ब्लड उसका फ्लो ज़्यादा हुआ है या फिर उसको पेरिफेरल वैसोडिलेशन है या फिर और उसके ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग हुई है, तो इस वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। इसी तरह से बॉडी टेम्परेचर, तो ह्यूमन बीइंग क्या है, ये एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, गर्म खून का इंसान होता है, हेंस द एबिलिटी ऑफ रेगुलेट ओन बॉडी टेम्परेचर। तो जो हमारा बॉडी है वो खुद का टेम्परेचर खुद रेगुलेट करती है। द नॉर्मल वैल्यू इज़ बिटवीन 97-99
फ़ारेनहाइट। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है अगर हम उसको सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है प्लस माइनस, और फ़ारेनहाइट के अंदर उसकी 97 टू 99 फ़ारेनहाइट उसका बॉडी टेम्परेचर हमारा ह्यूमन का होता है। द राइज इन द बॉडी टेम्परेचर लीड टू द कंडीशन कॉल्ड पायरेक्सिया और फीवर। अगर इस सिचुएशन से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम पायरेक्सिया या फीवर कहते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ अ वैल्यूएबल सिम्टम्स ऑफ इलनेस एक्यूट ड्यू टू द डीअरेंजमेंट ऑफ हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म, टॉक्सिन्स इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, राइज बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। अब दूसरे फंक्शनल पैरामीटर कौन कौन से हमारी बॉडी के, लाइक ऑर्गेन्स लाइक लीवर, किडनी प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होमोस्टैटिक ऑफ ब्लड बॉडी। अब नॉर्मली इन फंक्शनिंग ऑफ सच ऑर्गेन रिजल्ट फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन डिसऑर्डर डिसीज मेनली इंक्लूड टू फंक्शनल टेस्ट आर एस। तो अगर हमारी बॉडी में जो मेजर जो किडनी जो वाइटल ऑर्गेन है लाइक लीवर्स है, किडनी है, ये हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अगर इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम बोलेंगे कि हमको किसी तरह का डिसीज़ का प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग टेस्ट दी है और बताया है कि उस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके अंदर जो अल्कलाइन फॉस्फेट या जो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल है, ये आप ये लेवल अगर इंक्रीज होती है तो हम बोलेंगे कि उस पेशेंट को क्या है, जॉइंटिस है। यूजुअली जब आपको टाइफॉइड होता है या पीलिया होता है तो डॉक्टर आपको बिलीरुबिन टेस्ट करने के लिए बोलता है। तो वो ये टेस्ट होती है, सीरम बिलीरुबिन आपका ब्लड लेता है और आपका बिलीरुबिन की टेस्ट चेक करवाता है, फिर चेक करता है कि अगर ये लेवल ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आपको जॉइंटिस है। नेक्स्ट सीरम प्रोटीन। सीरम प्रोटीन क्या है? टोटल प्रोटीन 5 to 8, अल्ब्यूमिन 3 to 6, ग्लोबुलिन 1.5 to 3 mg। टोटल प्रोटीन काउंट डिक्रीज इन एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज हाइपरथायरॉइडिज्म एंड डायबिटीज मेलिटस। अगर ये सो लेवल है अगर वो कम होती है तो वहाँ पर जो बीमारी अगर हमको देखने को मिलती है, अगर सीरम प्रोटीन की लेवल कम होती है तो हमको वहाँ पर हाइपरथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा या फिर उस पर्सन को डायबिटीज़ हो सकती है। SGOT SGPT लेवल, यहाँ पे आप जो देखे थे हमने पिछली बार जो हमारे चैप्टर थे, हमने बहुत सारे चैप्टर में देखे कि हमने ब्लड लेवल भी हमें इसकी एग्जामाइन करते हैं, उससे हम जो हार्ट के पैरामीटर है वो भी हम इसमें देखते हैं ना। इसी तरह से प्रोथ्रॉम्बिन टाइम, मतलब कि ब्लड क्लॉट होने के लिए कितना टाइम लेता है, अगर उससे ज़्यादा लेता है तो इट इंक्रीजेज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन के। तो अगर ये जो टाइम है ये इंक्रीज होता है, मतलब ब्लड क्लॉट होने के लिए अगर ज़्यादा टाइम लगाता है, इसका मतलब ये है कि आपको विटामिन के की कमी है। नेक्स्ट इज किडनी फंक्शन टेस्ट। अब किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए कौन कौन सी टेस्ट, वेरियस फंक्शन ऑफ किडनीज आर डीअरेंज प्री रिनल एंड पोस्ट रिनल कंडीशन, सो इट चेक बाय परफॉर्मिंग सम टेस्ट। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज रिनल फंक्शन टेस्ट। तो आप अगर आपको किडनी का आपकी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, अगर आपको ये सब चीज़ें इवेल्युएट करनी है तो उसके लिए आप क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट कर सकते हो, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट कर सकते हो, यूरिक एसिड और सीरम के अंदर सोडियम और पोटेशियम की लेवल्स को चेक कर सकते हो। ये उसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर क्रिएटिनिन की लेवल ज़्यादा होती है तो वैल्यू डिक्रीज होती है अगर क्रिएटिनिन की, तो हम बोल सकते हैं कि रिनल फेल्यूर है। और अगर वहाँ पर ये लेवल अगर डिक्रीज होती है तो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर स्टेटस इज इंडिकेटेड, मतलब जो ग्लोमेरुलर मतलब जो ग्लोमेरुलाई होता है हमारा वो ठीक से काम नहीं करता वहाँ पर। इसके बाद में इंक्रीज वैल्यू शो साइन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर यूरिक एसिड की लेवल जो है वो बढ़ जाती है तो हम कहेंगे कि इसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गाउट हो सकता है। और अगर सीरम के अंदर सोडियम और पोटेशियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि रिनल का जो रीएब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है वो वहाँ पर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज गोनाडोल पैरामीटर। तो गोनाडोल जो हमारी बॉडी का ऑर्गेन है उसका जो पैरामीटर है उसमें हम स्पर्म काउंट देखते हैं, अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर अब हमको चेक करना हो तो हम उसको उसका जो चेक कर सकते हैं वो विद द हेल्प ऑफ स्पर्म काउंट हम उसको चेक कर सकते हैं। द सीरम एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर ऑफ गोनाडोल फंक्शन। नॉर्मल सीमेन इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर नॉर्मल एंड्रोजेनिसिटी। स्पर्मोटोजोआ आर द ओनली सेल टाइप प्रेजेंट इन इट। द स्पर्म आर स्टोर्ड इन वास्ट डिफरेंस एंड रिलीज ड्यूरिंग एजुकुलेशन, देयरफॉर द नॉर्मल स्पर्म काउंट इज एसेंशियल फॉर फर्टिलिटी। अब जो गोनाडोल जो हमारा ऑर्गेन है, जो गोनाडोल हमारा ऑर्गेन है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
स्पर्मोटोजोआ या स्पर्म करके जो सेल होते हैं वही वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर वो हमको चेक करना है तो हमको जो है वो स्पर्म की लेवल चेक करनी पड़ेगी कि वो नॉर्मल है या नहीं। अगर वो अबनॉर्मल है तो इसका मतलब ये कि वो जो गोनाडल हमारा जो ऑर्गेन है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। उसका नॉर्मल काउंट कितना है? 100 to 150 मिलियंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सीमेन। तो इतना इसका लेवल नॉर्मल है। अगर ये ज़्यादा या कम होता है तो इसका मतलब ये, अगर ये जो लेवल है ये कम होता है तो इसका मतलब ये है, अगर ये काउंट जो है ये कम होता है तो इसका मतलब ये कि वो जो पर्सन है उसको इनफर्टिलिटी है, वो यानी कि उसका जो गोनाडल ऑर्गेन है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 5th था फिजियोलॉजिकल पैरामीटर, यहाँ पर वो ख़त्म होता है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी ड्रग इंटरेक्शन। थैंक यू।